हाय बच्चों मैं फिर आया हूँ आपके सामने नए सवालों में और नई क्लास के साथ और आप देख सकते हो बच्चों कि नई क्लास का नए सवाल कहाँ से शुरू होने वाला है सवाल नंबर सत्रह से और चो प्रश्नावली हमारी कौन सी इसमें चल रही है सेवन पॉइंट नाइन तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि सवाल सोलह तक आपको कंप्लीट मिलेंगे इससे पिछले क्लास में तो चलो फटाफट शुरू करते हैं सवाल नंबर सत्रह प्रश्नवली सेवन पॉइंट नाइन का तो चलो बच्चों तो हमें क्या दे रखा है जीरो से पाई वाई फोर समाकलन की लिमिट दे रखी आपको बताया दो से घाट तीन प्लस दो और डी एक्स इस पूरे को हमें हल करना है मतलब इस पूरे का हमें समाकलन करना है तो सबसे पहला स्टेप आपको पता है हमने क्या बता रखा है कि जो हमें दे रखा है उसको आप अलग अलग ब्रेक कर लोगे अलग अलग समाकलन में तो आप देखो यहाँ क्या आने वाला है बच्चों अगर मैं पहले को देखता हूं तो पहला कितना आ रहा है आपका दो सेक्स स्क्वायर एक्स तो दो है तो आप उसको बाहर ले आओ आपका आ जाएगा दो जीरो से पाई वाई फोर सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स ये हो गया पहला वाला अगला कितना आ रहा है प्लस एक्स की घात तीन तो ये आपका यहां हो जाएगा जीरो से पाई वाई फोर और एक्स की घात तीन डी एक्स ठीक अब आपको बताया बच्चों तो यहां पर दो अचार राशि है तो उसको अब बहा लेके आओगे जीरो से पाई बाई फोर और ये आपका आ जाएगा वन इन डी एक्स देखो क्लियर हो गया दो अलग हो गया सेक्वायर एक्स की घाट तीन और प्लस का दो जीरो से पाई बाई फोर और वन इंटू डी एक्स अब क्या करेंगे इसका समाकलन करेंगे और उसके बाद जो हमें लिमिट रखी है उसको हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो आप देखोगे बच्चों यहाँ दो तो हमारा आने आना है समाकलन सेक्स स्क्वायर एक्स पूरा का पूरा एक फॉर्मूला होता है कोई आपको कुछ नहीं मानना कि जैसे कि हम टी मानते हैं ठीटा मानते हैं कोई नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी यहां पर दे रखी है समाकलन सेक एक्स का कितना होता है बच्चों टेन एक्स तो आपका आ जाएगा टेन एक्स और जीरो से कितना पाई बाई फोर ठीक टेन एक्स जीरो से कितना हो गया आपका पाई बाई प्लस एक्स की घात तीन का समाकलन किससे होगा एक्स की घात एन वाले फॉर्मूले से तो ये आपको है कितना आ जाएगा उसके अनुसार एक्स की घात चार बटे चार और जीरो से पाई वाई फोर प्लस दो आपको बताया अचर अच्छा राशि थी बाहर आ गई थी एक का समाकलन कितना बताया मैंने आपको कौन से फॉर्मूले से एक्स की घात एन वाले से तो आपका आ जाएगा ये एक्स और जीरो से पाई वाई फोर ठीक है अब आपको पता ही क्या करेंगे सबसे पहले अपर लिमिट जो दे रखी है उसको रखा एक्स की जगह माइनस में लोअर लिमिट तो आपका ये पूरा कितना आ जाएगा आप देखोगे टेन पाई बाई फोर माइनस का टेन जीरो क्लियर टेन पाई बाई फोर माइनस का टेन जीरो प्लस अब आपको पता है जब इसकी लिमिट रखेंगे इसमें भी कुछ होता है अगर अचर अच्छा है तो आप उसको बाहर लेके आ सकते हो तो इसमें आपका एक बटे चार ये बाहर आ जाएगा और अब जहां पर एक्स है वहां क्या रखना होगा बच्चों में पहले पाई बाई फोर तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई फोर की होल पावर चार माइनस ये आपको है जीरो आने वाला है क्योंकि एक्स को क्या रखेंगे माइनस करने के बाद जीरो ठीक है और प्लस में ये आपका दो है और एक्स को आप क्या रखोगे पाई वाई फोर माइनस का जीरो क्लियर जवाब तो आप देख सकते हो एक बटे चार यहां पर आ गया टेन पाई बाई फोर माइनस का टेन जीरो आगे दो गुणा टेन जीरो जीरो होता है हटा दो आप उसको टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी हुई टेन फोर्टी फाइव मतलब आपको होता है एक आपका जाएगा दो गुणा एक और ये आपका जीरो से हट गया प्लस एक बटे चार गुणा तो चो आप देखोगे पाई बाई फोर वाई की होल पावर फोर माइनस जीरो तो सिंपल सी बात है ये नंबर ही आएगा इसकी घात हमें चार करनी है तो आप यहां पर क्या लिखोगे पाई की घात चार और नीचे चार है तो चार की घात भी कितनी आ जाएगी वो चार आ जाएगी और प्लस का इसको आप सॉल्व कर लो पाई अपॉन टू दो को काट दो आप चार से ठीक है ना अब आप यहां देखोगे ये दो हो जाएगा प्लस पाई की घात कितनी आ जाएगी आपकी यहां पर चार और नीचे आपका आ जाएगा चार की घात पांच प्लस पाई बाय टू बच्चों क्लियर दो पाई की घात चार चार गुना चार की घात चार, चार कितना हो गया आपका चार की घात पांच और प्लस पाई बाय टू तो बच्चों ये इसका अगर हमका यह आंसर है आप क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप बताओ जो चार की घात कितनी आ रही है पांच आप उसको सोल्व करके लिख लो चार गुणा चार गुणा चार, चार जैसे होता है पांच वाला लिख दिया उसको गुणा करके लिख दो अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता तो आप सवाल का आंसर यहां भी छोड़ सकते हो या इसको सोल्व करके तो सवाल बच्चों आपका कौन सा यहां समाप्त हो गया है सवाल नंबर सत्रवा कहां बढ़ेंगे सवाल नंबर अठारह देखो अठारह उन्नीस बीस तीनों सवाल यहां पर आपको एक साथ दे रखे चलो बच्चो सवाल अठारवा क्या दे रखा है पहले उसको यहां नोट कर लें जीरो से पाई साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू ये हो गया आपका बंद और यहां क्या डी एक्स ठीक बच्चों इसका हमें समाकलन करना है अब बच्चों देखो समाकलन करने का एक तरीका तो आपको हमने पता ही रखा है मतलब वो तो आपका ऐसा तरीका है कॉमन हर किसी पर काम करेगा कि ये दे रखा है फलन कह सकते हो आप एफेक्स इसका अलग करो उसका अलग करो कोई दिक्कत नहीं तरीका आपके पास है क्लियर अब कोशिश क्या होती है देखो ये भी एक कोशिश तो होती है कि अगर आपको लगता है कि हाँ यहां पर सवाल को करने से पहले हम कुछ कर सकते हैं कुछ उसमें बदलाव कर सकते हैं तो वो करना चाहिए जिससे आपका सवाल आसान हो जाए छोटा हो जाए तो, अगर आप ध्यान दोगे यहां पर हल्का सा अगर आप ध्यान दोगे तो ये पूरा का पूरा मैं तो थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहूंगा पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है टिग्नोमैट्री का कौन सा वाला याद करो कॉस्ट टू एक्स का फॉर्मूला होता था कॉस्ट टू एक्स क्या होता था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइंस स्क्वायर एक्स तो वो यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है क्या अंतर आ रहा है वहां पर कॉस स्क्वायर से शुरुआत होती है और यहां हो रही है साइंस स्क्वायर से तो आप देखोगे ये काम तो बहुत आसान है इसको चेंज करना जीरो से पाई एक काम करते हैं दोनों में ना माइनस का साइन ले लेते हैं कॉमन तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, टू और आपको बताया डी एक्स तो यहां पर आना ही आना है माइनस को आप भा लेके आ जाओ अच्छा राशि कह सकते हो पूरे को ठीक अब आप देखो पूरा फॉर्मूला बन गया तो मैं आपको बच्चों यहां साइड में लिखाना भी चाहूंगा जिनको पता है बहुत अच्छी बात है जिनको कुछ ज्यादा एक आइडिया नहीं है हल्का सा कंफ्यूजन है तो उसको ऐसे याद कर लें कॉस एक्स देखो कॉस टू एक्स का जो आपको बताया अगर कॉस एक्स का बनाएंगे उसी के अनुसार तो क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स का साइन एक्स बाय टू बच्चो ये पूरा फॉर्मूला आप यहां पर लगाते हो तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू वहां से किसके बराबर हो जाएगी कॉस एक्स के तो ये आपका आ जाएगा कॉस एक्स और डीएक्स माइनस तो आपको बताए बाहर आना या आना है अब जीरो से पाई कॉस एक्स डीएक्स फॉर्मूला हमने आपको लगा के बता दिया तो अब किसका समाकलन करना है बच्चों में कॉस एक्स का कोई इसमें हमें पुटअप नहीं करना कोई कुछ नहीं मानना तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया समाकलन कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है साइन एक्स के तो ये आपका कितना आ जाएगा साइन एक्स जीरो से पाई क्लियर पूरे का कितना आ गया कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू साइन एक्स समाकलन जो उसका होगा जीरो से पाई माइनस आप ऐसे एंड दोगे अब आप पहले अपर लिमिट रखो माइनस में लोअर लिमिट्स तो कितना आ जाएगा साइन पाई माइनस का साइन जीरो साइन पाई माइनस का साइन जीरो आपको है साइन में चाहे पाई हो दो पाई जीरो सबकी वैल्यू कितनी आती है जीरो तो आप देखोगे माइनस तो आपके यहां पर है ही जीरो माइनस जीरो करेंगे तो पूरे का आंसर कितना आ गया जीरो तो सवाल बच्चों आपका अठारवा यही समाप्त तो होता है कहाँ आते हैं अब, अब सवाल नंबर उन्नीस पर तो बच्चों उन्नीस को लिखते हैं नए पेज में तो क्या दे रखा है जीरो से दो एक्स प्लस तीन उन्नीसवा सवाल है आपका समाकलन जीरो से दो एक्स प्लस तीन और इसके नीचे कितना आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का चार और डी एक्स तो आना ही आना है एक्स स्क्वायर प्लस का चार और डी एक्स तो आपको पता है होना ही होना है समाकलन में अब इसका समाकलन करना है बच्चों ये सवाल आप कह सकते हो स्टार्टिंग की अगर प्रश्नवली देख रहे हैं उसमें तो बहुत बार आ रखा है ये सवाल इस प्रकार का जो पिछली क्लास में भी आ चुका है इससे पिछली क्लास में आप देख सकते हो क्या किया था मैंने उसमें आप देखोगे बच्चों तो पहला स्टेप तो यह है कि छक्स प्लस तीन जो दे रखा है इसको हम कर देंगे अलग अलग मतलब छ एक्स के नीचे पूरा ले लिया प्लस तीन के नीचे पूरा ले लिया और दोनों को हमने अलग अलग सॉल्व किया था अलग अलग समाकलन किया था तो अब आप देखो यहां पर स्टार्टिंग क्या हो जाएगी बराबर जीरो से दो एक्स के नीचे, एक्स प्लस का चार और डी एक्स देखो हो गया अगला वाला आपको पता है तीन अचर अच्छा राशि है देखो हम यहां पर इसको कर देंगे तीन को बाहर जीरो से दो और आपका आ जाएगा एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस का चार और डी एक्स आप देख सकते हो जियो से दो छेयर प्लस का चार। प्लस का तीन और जियो से दो और एक बटे का चार और डी एक्स क्लियर अब हमें क्या करना है बच्चों आपको पता है इसका अलग करना है समाकलन और इसका अलग और इसका मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि आप क्या करो समीकरण मान लो उसको पूरे को ब्रेक करने के बाद और इसको अलग से सॉल्व कर लो इसको अलग से और अगर प्लस है माइनस है जो भी है वहां पुटअप कर देंगे उसका फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है और बच्चों इसमें क्या फायदा होगा एक्यूरेसी भी आपकी पूरी आएगी क्योंकि वो अलग अलग सॉल्व हो रहे हैं अब जैसे यहाँ पर मान लो और सवाल बड़ा आ गया अगर आप इसको इकट्ठा करोगे तो थोड़ी बहुत गलती चांस हो सकते हैं ठीक है तो आप आते हैं आगे तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले देखो आप बटे एक्स स्क्वायर प्लस चार ठीक है ना और जीरो से दो आपको तो पता ही है जीरो से दो और dx इसको हम सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू को तो आप देखोगे यहां पर 6 को चलो हम बहाल ही आते हैं जीरो से दो एक्स डी एक्स के नीचे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का चार अब आप देखो तो ये कैसे सॉल्व होगा समाकलन किस प्रकार सॉल्व होगा याद करो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस चार को टी मान लें अपलन करेंगे तो दो एक्स डी एक्स आएगा दो को नीचे ले आओ आ गया एक्स डी एक्स तो ये वो वाला केस है ठीक है जैसे आपको हमने बता रखा है तो अब जरा आप यहां पर ये काम कुछ ऐसा करो माना की ठीक है हम क्या मान लेंगे आप देखोगे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स स्क्वायर प्लस चार बराबर टी एक्स स्क्वायर प्लस चार बराबर टी तो आपको बताया यहां पर दो एक्स डी एक्स वो आपका आ जाएगा डी टी क्लियर तो एक्स डी एक्स की वैल्यू जैसा मैंने आपको बताया कितनी आ जाएगी वो यहां से डी टी बाय टू ठीक अब आपको बताया समाकलन की क्या आ रही है लिमिट आ रही है तो उसको भी चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप क्या रखो उसमें जीरो मतलब लोअर लिमिट तो यहां आप क्या रखोगे x बराबर जीरो तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे आप देखोगे टी की x को आप जीरो रखो जो हम मानते हैं देखो मैं यहां पर फिर निशान लगा रहा हूं यहां रखेंगे तो जीरो रखो तो आपका टी कितना आ जाएगा यहां से चार ठीक है टी आपका आ गया चार और x की वैल्यू अब हम कितनी रखेंगे यहां पर दो तो आप देखोगे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर दो रखेंगे तो दो की घाट दो चार प्लस चार ये आपका आ जाएगा यहां से आठ बच्चो तो पूरी वैल्यू इतनी आ रही है क्लियर हो गया भा था इसको माना dx अब पूरी वैल्यू को यहां पुटअप करो देखो कितना आने वाला है छुणा तो जीरो पर कितना आ रहा है टी आप देख सकते हो चार और जब दो है तो वहां देखोगे कितना आया था चार प्लस चार आठ तो ये आपका हो जाएगा चार से आठ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों देखो डी टी बाय टू तो उस एक बटे दो को आप यहां ले आए और एक्स डी एक्स ये हो जाएगा आपका डी टी और पूरी वैल्यू आपको है यहां पर कितनी आ रही है टी चलो अब ये हमारा हो जाएगा तीन गुणा सॉल्व कर लिया मैंने चार से आठ तो तो बाद डीएक्स अपन एक्स समाकलन डी एक्स टू पॉन एक्स बच्चों तो किसके बराबर होता है लॉग एक्स के तो ये आपका कितना आ जाएगा यहां पर लॉग टी चार से आठ ठीक है ना अब बराबर तीन क्या करोगे आप पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट तो ये कितना आ जाएगा आपका लॉग आठ माइनस का लॉग चार बच्चों गयो log आठ में इसको log चार अब आपको मैंने बता रखा है log का फॉर्मूला अगर लगता है तो आप उसको लगा दो आखिरी तक सिंपलीफाई करने के लिए तो ये हमारा बन जाएगा log m माइनस का log n मतलब log m बटे n तो हम एक काम ही करते हैं बच्चों इसको आगे कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा तीन log आठ बटे चार और आपको होता है 3 log 8 बटे 4 का मतलब कितना हुआ 2 ठीक तो आप देखोगे बच्चों यहां से मैंने इसको सोल्व कर लिया ए पहले वाले को अब तीन अच्छा कर ही देंगे हम दो एक बटे से दो एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस चार और डीएक्स अब बच्चों आप यहां पर देखो फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है किसका टेन यूनिवर्स वाला फॉर्म आपको मैंने लिखाया था चलो मैं आपको यहां पर साइड में एक बार और लिखा यह आपको याद होगा समाकलन में अगर एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx अगर है तो फॉर्म क्या आपको बताया था मैंने एक बटे ए कैन इनवर्स एक्स बटे ए बच्चो ये फॉर्मूला होता है इसका क्लियर अब हम क्या करेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला यहां पर काम कर रहा है तो आप इसको पहले ऐसा लिख दो जीरो से दो एक बटे एक्स स्क्वा प्लस चार को आप लिख दो, दो का स्क्वेर और ये डी एक्स तो आपको पता है आना ही आना है तुरंत बच्चो तुलना करो फॉर्मुला लगा दो एक ही जगह कितना आ रहा है आपका दो तो फॉर्मला क्या होता है देखो यहां पर एक बटे ए मतलब एक बटे दो क्लियर एक बटे ए से एक बटे दो टेन इनिवर्स टेन इनिवर्स यूनिवर्सो एक्स बटे ए मतलब यहां कितना आ जाएगा आपका एक्स बटे दो और आपको पता है समाकलन ये हो चुका है जीरो से दो ठीक एक बटे दो तो आपको पता है अनाना है अब अपर लिमिट्स माइनस में लोअर लिमिट्स तो आप देखोगे पूरा कितना आ जाएगा यहां से आपका टेन इनिवर्स बच्चो आपने एक्स को दो रखा होगा तो दो बटे दो आपको पता है कितना हो जाएगा एक माइनस का टेन इनिवर्स जीरो बच्चों टेन इनिवर्स जीरो की वैल्यू बहुत बार आ चुकी है किसके बराबर होती है जीरो के तो वो तो आपका हो जाएगा जीरो टेन यूनिवर्स एक भी आ चुका है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों आपको पता होगा वहां पर पाई वाई फोर तो आपका आ जाएगा एक बटे दो घोड़ा टेन यूनिवर्स एक ये आपका आ जाएगा पाई वाई फोर तो पूरी वैल्यू आपकी यहां कितनी आ गई पाई वाई एट क्लियर हो गया बच्चों यहां देख सकते हो एक बार और फटाफट आगे बढ़ने से पहले जीरो से दो था और यहां बच्चों जीरो से दो कोई पुटअप नहीं किया डायरेक्ट फॉर्मला लगा दिया एक बटे ए ए आपको बताया दो है टेन यूनिवर्स एक्स अपॉन टू जीरो से टू ठीक है या आपका ऐसे रहा x को आपने दो रखा टेन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाई फोर वो आपका जीरो होता है वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई एट दोनों वैल्यू आ चुकी है कहां रखेंगे इसको समीकरण एक में तो समीकरण एक में रखेंगे तो बच्चों आपको बताया यहां तो हो गया डैश 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 जिस सवाल को हम सोल्व करें जैसा आपको मैंने बता रखा है अब आप देखो सबसे पहले आया था हमारा ये वाला इस पूरे की वैल्यू <coughs> तीन लॉग दो ठीक है तीन लॉग दो और बच्चों आपको बताऊंगा तीन गुणा मैं तीन की गुणा क्यों कर रखी है क्योंकि तो यहां पर आप देखोगे तीन पहले से मैंने इसको सॉल्व किया था अलग से ठीक है ना तो ये आपका आ गया था जीरो से दो पूरे की वैल्यू पाई वाई एट तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई आपकी तीन लॉग दो और तीन पाई वाई एट <coughs> तो बच्चों आपका सवाल समाप्त हो गया है कौन सा देखें ये सवाल था हमारा उन्नीसवा बच्चों सवाल समाप्त कहां पर आओ आप सवाल नंबर बीस पर क्या दे रखा है पहले देख लेते हैं जीरो से एक एक्स ई की घात एक ये आपका यहां पर है चलो बीसवा सवाल है बच्चों आपका जीरो से एक एक्स एक की घात एक्स प्लस में जीरो से एक हो गया साइन पाई एक्स बाई फोर ठीक है प्लस में कितना है आप देखोगे यहाँ पर साइन पाई एक्स बाई फोर और ये बाहर कितना आ गया इसके डीएक्स तो पहला काम तो आपको बताए क्या होने वाला है इनको अलग अलग ब्रेक करो आप तो ये कितना आ जाएगा आपका जीरो से एक एक्स ई की घात एक्स और डीएक्स प्लस जीरो से एक साइन साइन पाई एक्स बाई फोर और डीएक्स अब जैसा मैंने आपको बताया इसको आप समीकरण एक मान लो और अलग अलग सॉल्व कर लेंगे तो जो सबसे पहले सॉल्व करते हैं पहले वाले को जीरो से एक एक्स इ एक की घात एक्स और डी एक्स अब बच्चों आप इस वाले समाकलन को देख के थोड़ा सा पीछे याद करने की कोशिश करो कौन से वाले तरीके से होगा बच्चों उसका समाकलन एक्स ई एक की एक घात एक्स लिमिट तो आपको बताया वो बाद में ही देते हैं एक्स की घात एक्स खंड समाकलन अगर आपको याद हो तो खंड समाकलन में दो फलन गुणा में आते हैं समाकलन का ना होता है और जो मैंने आपको बताया था आईलेट वाला केस वो बता रखा था और पूरी डिटेल भी बताई थी मैंने कि एक्स को ही हम पहला क्यों मान रहे हैं ई की घात एक्स को ही दूसरा क्यों मान रहे हैं सब कुछ मैंने आपको बताया था तो अब अच्छा आप चाहो तो आईलेट से भी कर सकते हो या जो मैंने आपको डिटेल वहां पर बताई थी तो उसके अनुसार एक्स की घात एक्स बच्चों ठीक है तो हम पहला मान लेंगे एक्स <coughs> को दूसरा मान लेंगे किसको बच्चों बच्चो एक ही घात एक्स को फॉर्मूला आपको याद होगा <coughs> तो आप देख रहे हो बीच बीच में खांसी भी उठ रही है ठीक है एक्स एक ही घात एक्स डी एक्स पहला फलन एक्स दूसरे का समाकलन होता था तो बच्चों, दूसरा तो एक घात एक्स है और घात का समाकलन कितना होगा एक ही घात एक्स अब जरा इस पॉइंट पर आओ बच्चो आप देखोगे कि, कि यहां पर कोई खास बात तो है नहीं है बच्चों लिमिट्स आ गई है तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना इस सवाल से आप कह सकते तो हो शुरुआत हो चुकी है अब आगे सवाल आएंगे वो अलग बात है मैंने यहां पर लगा दिया खंडा समाकलन फॉर्मला पहला फलन एक्स दूसरा जो है उसका समाकलन मैंने कर दिया एक ही एक्स होता है अब लिमिट्स लिमिटी तो अब आप क्या करोगे जब आप इतना काम कर लोगे बच्चों उसको नोट करना मैं देखो तो आपको फिर कह रहा हूं जब आप इतना काम कर लोगे मतलब स्टार्टिंग का जो फॉर्म आपने खोल दिया पहला वाला जो आता है पहला फलन दूसरे का समाकलन उसके तुरंत बाद यहां आप लगाना बड़ा ब्रैकेट और उसकी लिमिट्स मतलब इस पूरे समाकलन में जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है मतलब उसका समाकलन हो चुका है बच्चों तो अब वो है और आपको पता है अगर लिमिट्स है, समाकलन करना है तो हमने क्या किया समाकलन कर दिया फिर क्या रखता है लिमिट्स तो वही बात यहां पर आ गई कि आपका पहला फलन दूसरे का समाकलन हो चुका है तुरंत आप लिमिट जो भी दे रखी होगी उसको रख दोगे जीरो टू वन जीरो टू वन अब भर जाओ आगे माइनस समाकलन के अंदर पहले का अवकलन बच्चों तो पहला कितना है एक्स तो आपको होता है एक्स का आ गया वन और ई की घात एक्स का ई की घात एक्स आना है और डी एक्स समाकलन आपको पता है वो रिपीट होता है उसको मैंने कर दिया है अब हम क्या करेंगे देखो ये तो हो चुका है इसकी आप लिमिट्स को रख दो तो पहले क्या रखेंगे आपको पता है अपर लिमिट्स माइनस में लोअर लिमिट्स तो आप देखो पहले अपर लिमिट्स रखो कोई एक्स को रखो वन तो आपका आ जाएगा ये वन इंटू e की घात वन बच्चों देख लो आप क्लियर हो गया जहां जहां एक्स है वहां मैंने क्या रख दिया वन इंटू e की घात वन इसको आप <coughs> ब्रैकेट लगा सकते हो माइनस अब एक्स को मुझे क्या रखना है आप देखोगे जीरो तो आप देखोगे बच्चों ये जीरो गुणा e की घात जीरो हो जाएगा वो तो आता लगे कि पूरी वैल्यू हमारे यहां पर जीरो हो जाएगी ठीक है जीरो गुणा एक ही घात जीरो पर मैंने आपको पूरा ही खोल के बता दिया माइनस अब आप इसको देखो इस वाले को जीरो टू वन ए की घात एक्स आया तो ए की घात एक्स का दोबारा करो समाकलन कितना आएगा ए की घात एक्स और ये भी कितना आपका जीरो टू वन तो आप इसको देखो तो ये तो हट गया जीरो से ठीक है ये आपका आ जाएगा ई माइनस <coughs> अब इसका समाकलन हो चुका है तो हम इसके तो लिमिट रखेंगे तो आप पहले क्या रखो एक्स को वन मतलब अपर लिमिट्स E की घात एक माइनस ई e की घात जीरो माइनस मुझे एक की घात वन का मतलब ई e तो हुआ ई e माइनस ई e प्लस ई e की घात जीरो देखो ठीक है e ई माइनस ई e, माइनस माइनस प्लस हो गया एक e की घात जीरो आपको बताया ये एक जैसे है कट गए और किसी की घात कितनी आती है जीरो वन तो आप कह सकते हो पहले वाले का समाकलन खंडा समाकलन से करने के बाद सब कुछ तरीका तो बता दिया है और सबसे बच्चों मेन स्टेप होता है अगर आपका ध्यान नहीं गया और आपने वैल्यू तो समाकलन तो कर दिया पहला फलन दूसरे का समाकलन और लिमिट नहीं लगाई पूरा सवाल ही गलत इसलिए मैंने आपको बताया है कि जब यहां तक पहुंच जाओ और लिमिट दे रखी है तो तुरंत उसकी लिमिट को रख देना चलो अब आते हैं आगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी एक अब सॉल्व करते हैं दूसरे वाले को दूसरा है आपका जीरो से एक साइन पाई एक्स बाई फोर और डीएक्स <coughs> अब बच्चों इसको देखो आप साइन पाई एक्स बाई फोर और जीरो टू वन ठीक यहां बच्चों अगर मैं देखूं तो समाकलन आ रहा है साइन एक्स की फॉर्म बनती हुई आ रही है नजर कि समाकलन साइन एक्स हमको माइनस का होता है, पर वहाँ साइन एक्स आता है, एक्स, यहां पर थीटा कुछ भी मान सकते हो ठीक है ना तो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता है जो आपको हमने बता रखा है उससे हम कुछ मान लेते हैं तो बच्चों में थोड़ा सा मानने वाला काम यहां कर का लेता हूं देखो ठीक है साइड में आप तो इसके बाद ये तो हो चुका है आपकी जगह जो एक निगाह है जो ध्यान है कहां जाना चाहिए इस तरफ तो देखो हमने क्या कर लिया माना पाई एक्स बाई फोर बराबर चलो बच्चों हमने मान लिया थीटा कोई नहीं ठीक है इसको हमें थीटा मान लिया तो आपको पता है जैसे मानते हैं आप करोगे तो आप देखोगे कितना आएगा पाई बाई फोर डी एक्स बराबर डी थीटा क्योंकि एक्स का हो गया वन और डीएक्स बराबर डी थीटा <coughs> बच्चों मुझे क्या निकालना है डीएक्स चाहिए आप यहां देखो डीएक्स चाहिए यहां एक्स एक्स तो आ रहा. तो अब डीएक्स तो की वैल्यू कितनी आ जाएगी चार बटे पाई और डी थीटा बच्चो पूरा आपका अब मैं बच्चों थोड़ा यहां पर लाइन खींचने वाला हूं और आपको पता है कुछ काम हम कहा कर देंगे इस तरफ पहले यहां पर देखना है आपको तुरंत आपका ध्यान या निगाह कहा जाएगी ऊपर चलो ठीक है तो चलिए इतना हो गया आपका डी एक्स आगे चार बटे पाई और डी थीटा क्लियर अब हम क्या करेंगे आपको लिमिट्स चेंज करेंगे तो क्या होगा एक बार आप एक्स को रखोगे जीरो और एक बार एक रखोगे इसमें वन तो यहां मैं थोड़ा सा देखो साइड में करना चाहूंगा एक्स बराबर यहां देखो बच्चों जीरो तो टी की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर सॉरी बच्चो आपका जो है टी नहीं है थीटा माना हुआ तो थीटा आपका आएगा तो थीटा बराबर देखो एक्स को हम क्या रख रहे हैं जीरो तो आपका आ जाएगा थीटा जीरो और एक्स को आप क्या रखोगे यहां से वन तो थीटा आपका आ जाएगा पाई बाई फोर क्लियर ये थोड़ा आप इसको यहां बंद कर लो और सिंपल काम क्या के है? तो आपको सवाल की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी कि जो मानते हैं फिर मिल सकते हैं जीरो पर जीरो आ रहा है आप देखोगे और वन पर कितना आ रहा है पाई बाई फोर टोटल वैल्यू को हम कहा रखते हैं इस पूरे में तो अब आप देखो ये कहा चेंज आ जाएगा <coughs> जीरो जीरो पर कितना आ रहा है आप देखोगे वहां पर थीटा की वैल्यू जीरो वन पर कितनी आ रही है वहां देखना आप पाई बाई फोर और ये आपका आ जाएगा साइन में पाई एक्स बाई फोर को मैंने कितना माना हुआ तो है पूरी वैल्यू आ गई है अच्छा राशि आपको कितनी है चार बटे पाई उसको आप बहा लेके आओ तो ये अब मैं बाकी काम चलो बच्चों थोड़ा सा नए पेश में करता हूं क्योंकि ये काम तो आप कह सकते वहां पर हमारा कनेक्ट हो गया है तो अब आओ आप आगे तो ये वो चार बटे पाई इसको एक बार और लिख लेते हैं जीरो से कितना है वो आपका पाई साइन थीटा और डी थीटा एक बार देखिए ठीक है बच्चों आओ चार बटे पाई राशि है समाकलन साइन का समाकलन क्या बता रखा है आपको माइनस के थीटा तो आपका आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा जीरो से पाई वाई फोर ठीक है बच्चों माइनस का साइन आप आगे ले आओ माइनस का चार पाई हो जाएगा अब पहले आप क्या रख दो उसमें अपर लिमिट्स मतलब कॉस पाई वाई फोर और माइनस का आप देखोगे ठीक है माइनस का आपको बाहर आ गया चार बटे पाई कॉस पाई वाई फोर माइनस का कॉस जीरो तो माइनस का चार बटे पाई कॉस पैंतालीस हुआ पाई बाई फोर कितना होता है आपका वन अपॉन रू टू और ये आपका आता है कॉस जीरो कितना वन तो ये पूरी वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितनी आ गई है ये आ रही है थोड़ा चाहो तो उसको और सॉल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा माइनस का चार बटे पाई रोट टू और जो माइनस माइनस प्लस कर दो तो ये आपका आ जाएगा चार बटे पाई मतलब पूरी वैल्यू आप देखोगे इतनी आ रही है हमारी <coughs> चार बटे पाई था ये हो गया माइनस का कॉस और आपको पता है लिमिट्स हमारी जीरो से वन थी ये मैंने माना जीरो पर कितना आया था आपको पता है थीटा जीरो आया था और वन पर आपका पाई तो जो पूरी वैल्यू उसकी कुछ ऐसी आ रही है दूसरे वाले की अब आपको पता है यहां पर हमने क्या माना हुआ है इसको समीकरण एक तो पहले वाले की वैल्यू आपने देखी होगी कितनी आई थी यहां से हमारी पूरी वोट वैल्यू ये कर दिया था की घाट जीरो का मतलब एक तो आपका आ जाएगा ये समीकरण एक से इसीलिए समीकरण एक से जो ये डेट डै एस आपको बता रखा है हमने तो जो पहले वाले की वैल्यू आपने देखा होगा एक आई थी एक <coughs> और बीच में देखो बीच में आपका साइन है प्लस का तो कोई टेंशन नहीं है प्लस है और दूसरी वैल्यू जो आई है वो आपकी है, हो गया आपका एक प्लस चार बटे पाई माइनस का चार बटे पाई और रोटो बस बच्चों आपका सवाल यही समाप्त होता है और आपको पता है आखिरी तक सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो कहते हैं अगर आपको लगता है तो कर दो ना आप इसको तो छोड़ दो कोई टेंशन की बात नहीं है हां पर एक बात नोट करो हमेशा बोलता हूं मैं आपको अगर, अगर सवाल आता है सिद्ध कीजिए सिद्ध करने में तो आपको वो पॉइंट लेके आना ही आना है हर हाल में तो वहां काम आपको थोड़ा सा करना होता है चलो अब आते हैं अपने अगले सवाल पर देखें अगला सवाल हमारा कौन सा है बच्चों ये मिसाल से बीसवा सवाल था ये हाँ बीसवा सवाल था तो अब हमें आना होगा अपने 21वें पर देखो बच्चों सवाल इक्कीस और बाईस के लिए क्या कह रहा है प्रश्न इक्कीस और बाईस में सही उत्तर का चयन कीजिए एक प्रकार से बहुविकल्प है सवाल ठीक अब इक्कीसवा सवाल क्या है बच्चों देखो इसमें क्या ले रखा है समाकलन एक से लेकर रूट तीन dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है मतलब इस पूरी की वैल्यू निकालो और जो आपका आंसर आएगा उसकी हम यहां से मैचिंग कर लेंगे तो अब आप यहां देखो इक्कीसवा सवाल क्या है आपका सवाल नंबर इक्कीस में दे रखा है एक से लेके रूट तीन डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इसको तो सॉल्व करना है अब आप ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है समाकलन मैं आपको लिखाना चाहूंगा देखो क्योंकि यहां पर जो फॉर्मूला बच्चों से बड़े बड़े होते हैं को का कौस, कौस का सिंपल हो तो थोड़े से जहां पर इनवर्स इनवर्स आता है इन्वर्स, तो उसको जो है आपको यहां पर बताना जरूरी होता है क्योंकि जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है और चांस थोड़ा सा अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन ना हो तो जो पूरी वैल्यू क्या लिखा है आपको मैंने टेन इनिवर्स एक्स मतलब समाकलन डी एक्सपॉन वन प्लस एक्स होता है आपका टेन इनिवर्स एक्स के तो अब आप देखोगे पूरी की पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है कुछ नहीं मारना तो आपका कितना आ जाएगा टेन इनिवर्स एक्स और एक से लेके रूट तीनों क्लियर पूरा समाकलन आपका जो से लगा दिया एक रूट अब आपको बताया कौन सी वैल्यू आएगी सबसे पहले अपर लिमिट्स तो आपका आ गया यहां पर टेन इनिवर्स रूट थ्री माइनस का टेन इनिवर्स वन बच्चों ठीक अब टेन इनिवर्स बच्चों रूट थ्री टेन में कितने की वैल्यू होती है जैसे होता है कि टेन पैंतालीस एक टेन जीरो जीरो टेन तीस एक बटे रोट तीन तो टेन में रोड थ्री किसकी वैल्यू होती है जो अब आप देख रहे हो है तो हाई स्कूल की एक टेबल पूरी और यहाँ पर भी यूज होती है तो उसका मतलब पढ़ाई का हर जगह यूज चलता रहता है ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि अगर बारहवीं क्लास में हो तो नाइन टेन का यूज नहीं है होता है तो हर पॉइंट को आपको अच्छे से पता होना चाहिए तो रोट थ्री होता था टेन साठ का टेन साठ रूट थ्री और साठ को हम क्या लिखेंगे पाईपॉन थ्री तो आपका आ जाएगा ये देखो टेन पाई अपन थ्री बच्चों ठीक है टेन पाइपॉन थ्री माइनस का टेन इनिवर्स और आपको बताया एक तो किसकी वैल्यू होती है टेन में पाई वाई फोर की अब आपको पता है टेन इनिवर्स टेन कर गए तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई है पाई वाई थ्री और यह आपका आ गया पाई वाई फोर अब आपको बताया दोनों का एलसीएम तीन और चार का आना है बारह तीन चौक बारह चार पाई यहां पे आना है माइनस का तीन पाई दो फाइनल वैल्यू आप देखोगे चार पाई माइनस का तीन पाई कितना होगा आपका पाई आ जाएगा तो चलो उसको मैं तो थोड़ा यहीं पर लिख दू यहां पर ठीक है ना ये इसको आप यहां बन कर लो बस फॉर्मूले को ऐसा करके तो आपका यही आंसर आ जाएगा पाई बाई बारह तो जो पाई बाई बारह जहां होगा वो उसका आंसर है देखोगे आप कहां पर डी तो आप क्या लिखोगे अतः अतः विकल्प ठीक है कैपिटल डी सही है बच्चों तो आपका सवाल इक्कीसवां समाप्त अब हम आएंगे कहां पर अपने बाईसवें सवाल पर और बच्चों बाईसवां सवाल शुरू करने से पहले ये इस प्रश्नवली का आखिरी सवाल है तो आप देखो कहां पर है बाईसवां सवाल रहा आपके सामने तो इस सवाल के साथ बच्चों प्रश्नवली सेवन पॉइंट नाइन हमारी समाप्त हो जाएगी चलो देखो क्या निकालना है समाकलन जियो से दो बटे तीन डी एक्स चार प्लस नौ एक्स स्क्वायर ठीक इसको सॉल्व करो और जो आंसर आएगा उसकी हम फिर आपको मैचिंग बताएंगे कि क्या होने वाला है तो पहले जो सवाल दे रखा है वो देखो जीरो से दो बटे तीन डीएक्स अपॉन में कितना है बच्चों चार प्लस नौ एक्स स्क्वायर ठीक है ये आपका हो गया चार प्लस का नौ एक्स स्क्वायर चलो अब आओ आगे बच्चो आप यहां पर देखोगे यहां पर भी फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है कौन सा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये देखो आप यहां पर ये समाकलन हो गया डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला जो आप कह सकते हो होता तो टेन वाला है पर यहां ए स्क्वायर आपका अलग से आता है ठीक है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला एक बटे ए टेन इनिवर्स एक्स बटे अब आप यहां देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर का मतलब अच्छा राशि तो आप देखोगे ए स्क्वायर की जगह चार आ रहा है तो चार को मैं लिख दूंगा दो का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं पर यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स का स्क्वायर आ रहा है और यहां आपका आ रहा है नाइन एक्स का स्क्वायर तो यहीं पर मुझे चेंज करना होगा अब कैसे चेंज करना है तो वो तो मैं आपको बता चुका हूं एक बार आप और देखो दो बटे तीन डी एक्स तो यहां पर है ही देखो चार को भी आप लिख ही दो, दो का स्क्वायर प्लस तो नौ एक्स का स्क्वायर है तो आप इसको लिखना तीन एक्स का होल स्क्वायर थोड़ा यहां से काम करते हैं हम दो का स्क्वायर तीन एक्स का होल स्क्वायर अब जो आप फॉर्म में और देखो किसकी जगह क्या आ रहा है जीडो, जीडो, जीडो से दो बटे तीन तो लिमिट्स है दो का स्क्वायर एक का की जगह कितना है आपका तीन एक्स तो स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए मुझे वहां पर क्या करते हैं आपको बताया जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है कुछ मान लेंगे हम ठीक है तो बच्चों तो अब मानने वाला काम है थोड़ा सा यहां का लेता हूं माना किसको मानेंगे बच्चों किसको हटाना है तीन एक्स को क्योंकि तीन एक्स की जगह एक्स आना चाहिए तो आपको पता है एक्स तो लेने वाले हैं नहीं कुछ अलग मान लेंगे तो थीटा ले लो माना तीन एक्स बराबर ठीटा तो आप देखोगे बच्चों dx आपका आ जाएगा डी थीटा अपॉन थ्री मैंने डायड कर दिया तो आएगा तीन डी एक्स बराबर डी सीटा पर मुझे डी एक्स चाहिए तो डी सी टा बा क्लियर अब आपको पता है लिमिट्स है तो उसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप क्या रखो एक्स को जीरो तो आपने को रखा जीरो तो आप देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो एक्स को जीरो रखा थीटा जीरो आ गया अब आप एक्स को क्या रखोगे यहां पर अपर लिमिट्स दो बटे तीन तो आप देखो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी मतलब जहां पर एक्स वहां क्या रखना है दो बटे तीन तीन से तीन कटेगा ये आपका आ जाएगा दो आगे बढ़े देखो एक बार और जीरो पर जीरो आ रहा है एक्स को रखा दो बटे तीन तीन से तीन कटा जीरो तो जीरो और इस पर आपका दो अब पूरी वैल्यू कहाँ पुटअप करते हैं जो सवाल है देखो तो जीरो पर कितना आ रहा है थीटा जीरो दो बटे तीन पर कितना आ रहा है दो तो हो गया आपका जीरो से दो और डीएक्स डीएक्स की वैल्यू कितनी आप देखोगे डी थीटा बाई थ्री तो उसका एक बटे तीन आप पहले भाग और लेक्स ये हो गया आपका डी थीटा ये हो गया आपका दो का स्क्वायर प्लस तीन एक्स का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा थीटा स्क्वायर एक बटे तीन गुणा लगा दो फॉर्मला हो ये वाला ठीक क्या होता है एक बटे ए आप देखोगे एक बटे ए ए है दो ठीक है ना और ब्रैकेट लगा दो टेन इनिवर्स एक्स बटे ए तो एक्स की जगह कितना आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में थीटा तो आपका हो जाएगा थीटा बटे ए और ए की वैल्यू आपको बताया है कितनी है यहाँ पर दो इसको आप करोगे बंद जीरो से दो ये हो गया आपका एक बटे छह गुणा सबसे पहले अपर लिमिट्स माइनस का लोअर लिमिट्स तो आप देखोगे पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी टेन यूनिवर्स बचो थीटा को आपने क्या रखा दो तो आपका आ जाएगा एक माइनस का टेन यूनिवर्स जीरो तो तो ये सवाल की हम एंडिंग यही कर देते हैं ठीक है ना तो अब आपको कहां देखना है सवाल तो आपका कह सकते हैं खत्म हो गया टेन यूनिवर्स जीरो कितना होता है जीरो हटाओ उसको टेन यूनिवर्स वन कि वैल्यू कितनी आती है पाई वाई फोर तो आपका आ जाएगा एक बटे मतलब क्लियर ये सवाल है एरो का मतलब क्यों लगाता हूं कि आपको यहां देखने के बाद कहा देखना है भैया एरो है आपका पाई वाई ट्वेंटी फोर अब पाई वा ट्वेंटी फोर देख लो आप और ये आपको फॉर्म ले थे और ये जो मैंने आपको मान के बताया था ठीक है अब पाई अपऑन 24 जो आंसर मिलेगा वो उसका आंसर है फाइनल कहाँ है बच्चों पाई अपऑन पा। 24 सी पर तो क्या लिखोगे अतः अतः विकल्प ठीक है ना अतः विकल्प कैपिटल सी सही है तो बच्चों इस सवाल के साथ जैसा मैंने आपको बताया था शुरुआत करने से पहले इस सवाल की इस सवाल के साथ आपकी आपकी समाप्त समाप्त होती है है अब आपका काम क्या जितनी क्योंकि ये आप पूरा सिलेबस मोस्टली कम से कम पचास परसेंट अवकलन और समाकलन पर बेस्ट होता है ये आपके क्लियर है तो उस बाकी सवालों का आप देखोगे जैसे होता है कुछ और पॉइंट्स आते हैं वहां समाकलन का यूज हो जाएगा कई अवकलन का तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है चैप्टर तो और भी है करना आपको सभी है तो अब मैं आऊँगा आप नई क्लास में आपके सामने तब तक ओके और टेक केयर और जो जो कराया जाए आप उसका अभ्यास कीजिए